नमस्कार दोस्तों, ई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, JEE IIT की वैकेंसी निकली है और उसके लिए हम इस चैनल पे ई स्टडी चैनल ने आपके लिए कंप्यूटर GK की जो लेक्चर सीरीज शुरू की हुई है, तो जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिवैक इज़। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर और यूनिवैक इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर टू, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS विंडो विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। MS विंडो किस टाइप के सॉफ्टवेयर में आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, GUI। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो विंडो जो है हमारी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टाइप के सॉफ्टवेयर में ये आता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी KB आर इन 1 MB। 1 MB में कितने KB होते हैं। तो सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1024 KB हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन। तो ऑप्शन नंबर सी, रेजोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, रेजोल्यूशन। द नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द स्क्रीन रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑप्शन इज यूज टू फाइंड आउट द साइज ऑफ ए फाइल और फोल्डर। कौन सी ऑप्शन से हम किसी भी फाइल और फोल्डर का हम साइज देख सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर्टीज़। जैसे ही हम राइट क्लिक करते हैं किसी भी फाइल और फोल्डर में, प्रॉपर्टीज़ में जाके उसके साइज़ को चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वार कंटेन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जो है कौन सी बार पे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। टास्क बार कंटेन स्टार्ट बटन। क्वेश्चन नंबर एट, बाई डिफ़ॉल्ट फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। बाई डिफ़ॉल्ट जो है कोई भी फाइल जैसे हम उसको सेव करते हैं तो कौन सी लोकेशन में जाती है। तो इसका सही आंसर है माई डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर नाइन, बायो स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायो स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर टेंथ, रैम स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एसेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 byte, 1 byte कितने बिट्स के बराबर होता है। तो ये होता है 8 bits। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर। तो सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज है, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल क्या हैं, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। तो ये सारे क्या हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो आपको पता ही है ये सारे क्या हैं, स्टोरेज डिवाइसेज हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका ब्रेन इनमें से कौन सा है, ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। तो सही आंसर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपको वीडियो सही लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको बहुत सारे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे हैं JEE IIT की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए सीरीज़ होगी, जिसमें कि मैक्सिमम आपका सिलेबस कवर किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।